प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 7 में सोशल साइंस में पाठ 7 पढ़ाना है। तो पाठ 7 में देखिए, जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो जनजातियां जनजातियां खानाबदोश जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए और एक जगह बसे हुए एक जगह बसे हुए समूह या समुदाय। प्रथम समुदाय ये आपके पाठ का नाम हो गया। सोशल साइंस में पाठ 7 जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इसमें देखें बच्चे, जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादन गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ ये समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्णों के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे मतलब दूर, बड़े शहरों से परे का मतलब होता है बड़े शहरों से दूर जनजातीय समाज। परे जनजातीय समाज हाँ, ये पॉइंट आपका है, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्णों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता
रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी संग्राहक पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जात विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने समाज के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? जनजातीय लोग कौन थे? बड़े शहरों से परे जनजाति समाज जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वह संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजातियों में नंबर एक में पंजाब में खोखर पंजाब में खोखर जनजात 13वीं 14वीं के दौरान पंजाब में खोखर जनजात 13वीं खोखर जनजात 13वीं पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान के दौरान
पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहां बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यहां बाद में यहां बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। गखर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। गखर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। यहां बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। बाद में गखर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर के मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में हेलो सर, उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। बलोच उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच जनजाति। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा अहोम
और कई दूसरी जनजातियों की का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में कई इलाकों में बारहवीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। सदी तक चेर सरदार शाहियों सरदार शाहियों सरदार शाहियों सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और परास्त किया। उन्हें लूटकर खास अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली बेराग तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, कुछ और दक्षिण में ओरागा बेतर मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजातियां पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भीलों की बड़ी जनजाति प्रथम क्या है? कैमरा ऑन करो अपना। बड़ी क्यों जनजाति भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई है।
भारत में फैली हुई थी, फैली हुई थी। भीलों की बड़ी जनजाति, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य एशिया, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बड़े हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश और घुमंतु लोग खानाबदोश और घुमंतु घुमंतु लोग खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? घुमंतु लोग कैसे रहते थे? कैसे रहते थे? खानाबदोश और घुमंतु घुमंतु लोग कैसे रहते थे? घुमंतु 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 लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ खानाबदोश खानाबदोश अपने खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ खानाबदोश चरवाहे चरवाहे खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्न पश्चारी दूध और पशुचारी दूध और पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। दूध और पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। दूध और पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वह खेतिहर गृहस्थों के अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे।
बाजार, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाजारों की ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि बाजार विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान हुए मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते थे। अब आता है बच्चों बदलता समाज, नई जनजातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जनजातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वह हूण, चंदेल, चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। नजदीक से एक नजर गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वह स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजात कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़पटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइयां भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। अहोम राज बेगार पर भी निर्भर था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। जिन्हें खेल कहा जाता था, वहां दस्तकारों की बहुत कम जनजातियां थी। इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी गई जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ।
वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान में दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वह राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर बृहत्तर और अति अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति में है बच्चों, पहले वाले में वर्णों के भीतर पैदा होने होती नई जनजातियां श्रेणियां कहलाती थी। बुरंजी अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 7,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने कवियों और विद्वानों को भी भूमदान अनुदान किए। तो बच्चों यहीं से आपका पाठ पूरा हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार सभी बच्चों को।